नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पेरिस में सीरियल आतंकी हमले में 140 लोगों के मारे जाने की खबर। फ्रांस में आपातकाल। भारत समेत दुनिया भर ने जताई चिंता। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के 60,000 लोगों को किया संबोधित। कहा, विविधता हमारी खासियत। दुनिया से सहानुभूति नहीं, समानता चाहिए। वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई से बीजेपी का इनकार। वेंकैया नायडू ने कहा, सलाह को गंभीरता से ले रही है पार्टी। बिहार में सरकार बनाने के लिए महागठबंधन की बैठक आज। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 125वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम। चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल। बेंगलुरु में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से दूसरा टेस्ट। पहली खबर फ्रांस से है, जहां की राजधानी पेरिस में हुए सीरियल आतंकी हमलों में कम से कम 140 लोगों के मारे जाने की खबर है। पेरिस में एक के बाद एक 6 जगहों पर एक साथ हमले किए गए। पेरिस में हुई गोलीबारी और धमाके में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। और रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि 140 लोगों की मौत हुई है, जबकि पेरिस के बेटा कला कंसर्ट हॉल में बंधक बनाए गए करीब 100 लोगों के भी मारे जाने की खबर है। यानी कुल मिलाकर 140 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राष्ट्र के नाम संदेश में आपातकाल की घोषणा की है। फ्रांस की सीमा को सील कर दिया गया है। पेरिस निवासियों के को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमला पेरिस के स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 9 बजे हुआ। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 2 जगह पर गोलीबारी हुई है और 1 जगह पर कई धमाके हुए हैं। सबसे घातक हमला बैटाकला आर्ट सेंटर के पास हुआ, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। और इसी सेंटर में करीब 100 लोग बंधक बनाए गए थे, जिनके अब मारे जाने की खबर आ रही है। दूसरा हमला बैटाकला सेंटर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक रेस्टोरेंट पिटाइट कंबोज के पास हुआ। तीसरा हमला पेरिस के नेशनल स्टेडियम से सटे एक बार के पास हुआ। उस समय स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मैच देख रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट के समर्थक सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर खुशी जता रहे हैं। तो फ्रांस से एक बड़ी खबर, यहाँ सिलसिलेवार आतंकी हमले हुए हैं और इन हमलों में 140 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक के बाद एक 6 जगह ये हमले हुए हैं। वहीं घटना की अंतर्राष्ट्रीय जगत ने निंदा की है और फ्रांस को हर तरफ से सहायता की पेशकश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और पेरिस से आ रही खबर को दर्दनाक और दुखद बताया और कहा कि मारे गए लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और इस दुख की घड़ी में हम फ्रांस के साथ हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ट्वीट किया है कि पेरिस में हुई घटना से वो स्तब्ध हैं और पूरी तरह से फ्रांस के लोगों के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। बराक ओबामा ने कहा कि ये मानवता पर हमला है और अमेरिका पूरी तरह से फ्रांस के साथ खड़ा है। तो फ्रांस में हुए हमले के साथ पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस घटना की निंदा की है। 140 लोगों के मारे जाने की खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और सभी ने ये मैसेज दिया है कि इस संकट की घड़ी में
वो फ्रांस के साथ हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय समुदाय के लोगों को लंदन के वेम्बले स्टेडियम में संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की मेहरबानी नहीं चाहता बल्कि बराबरी चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता हमारी आन बान और शक्ति है। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी मौजूद थे। Gentlemen, please join me in welcoming Prime Minister Narendra Modi. लंदन के वेम्बले स्टेडियम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जहां बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अब मेहरबानी नहीं चाहते अगर हम चाहते हैं तो बराबरी चाहते हैं, बराबरी। और मैं 18 महीनों के अनुभव से कह सकता हूं कि आज भारत के साथ जो भी बात करता है वो बराबरी से बात करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेज गति से चल रहा है और बहुत जल्द इसके नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। जब मैं FDI की बात करता हूं तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मेरे लिए दूसरा भी महत्वपूर्ण पहलू है फास्ट डेवलप इंडिया। असहिष्णुता के मुद्दे पर देश में आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है और विविधता हमारी आन बान शान है जो हमारी ताकत और गौरव है। आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा TV, लंदन। वहीं भारतीय समुदाय के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने फिर कहा कि ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करेगा। And when you're taking India to the world's top table, we are with you. And when it comes, to the United Nations, we know what needs to happen. India with a permanent seat at the UN Security Council. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा बताया और इसके खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर भी दिया। We face together the biggest threat of our generation. The terrorist threat, a threat to our very existence. And once again, we stand together, shoulder by shoulder. You suffered on the streets of Mumbai. We suffered on the streets of London. The cause was the same, extremists who want to divide our country. And together, as we showed today, we will defeat them. लंदन के वेम्बले स्टेडियम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले तमाम रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। आइए आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। Jeevan 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 j
और इससे पहले ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश कंपनियों से मेक इन इंडिया में साझेदार बनने का न्योता भी दिया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि दोनों देश आर्थिक संबंधों को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तरफ से आयोजित भोज में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन लंदन में बड़ी ब्रिटिश कंपनियों के सीईओस के साथ बैठक की। इसमें रॉल्स रॉयस और वोडाफोन जैसी कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया में साझेदार बनने, रेलवे और रक्षा समेत दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने का न्योता दिया और इस ओर भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अगर यूके के लोग भारत से जुड़ते हैं या भारत के लोग यूके से जुड़ते हैं, इंडिया की बड़ी सहजता महसूस होगी। दोपहर में प्रधानमंत्री ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ओर से दिए गए दोपहर भोज में शामिल हुए। इस दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोरदार स्वागत के बीच विरोध के सुर भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को लंदन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें नेपाली, सिख और तमिल लोग शामिल थे जो असहनशीलता के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। इससे पहले गुरुवार को यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मुलाकात और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच करीब 9 अरब पाउंड के समझौते हुए हैं। Outcome of the discussions was the desire on both sides to collaborate in leveraging the city of London as a global financial hub for raising infrastructure financing for India's ambitious infrastructure projects. A total of 5 outcome documents and 11 MOUs were finalized today. दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत वोडाफोन भारत में 1.3 अरब पाउंड का निवेश करेगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लाइट सोर्स अगले 5 साल में 2 अरब पाउंड का निवेश करेगी। वहीं इंटेलिजेंट एनर्जी भारत में 1.2 अरब पाउंड का निवेश करेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल्स फाउंडेशन ट्रस्ट और इंडो यूके हेल्थ केयर चंडीगढ़ में एक अस्पताल खोलेंगे और चिकित्सा क्षेत्र में सौदा 1 अरब पाउंड का होगा। इंडिया बुल्स ब्रिटिश स्टार्टअप बैंक ओकनार्थ में 6.6 करोड़ पाउंड का निवेश करेगी। येस बैंक और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा असैन्य परमाणु करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से दोनों देश मिलकर निपटेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टीवी, लंदन। और अब कुछ और अहम खबरें। बिहार में हार के बाद पार्टी नेतृत्व की सार्वजनिक आलोचना करने वाले वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की खबर का बीजेपी ने खंडन किया है। मोदी सरकार के 2 मंत्री इस बारे में सफाई पेश की है। उनका कहना है कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं की आलोचना को गंभीरता से लेती है। वेंकैया नायडू ने कहा कि बेहतर होता अगर वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखते। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अपनी सफाई में एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि बिहार में पार्टी की हार पर सार्वजनिक आलोचना करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की खबरें गलत हैं। उन्होंने कभी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को ऐसी सलाह नहीं दी। दूसरी तरफ मोदी सरकार में एक और मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने भी कहा कि पार्टी इन वरिष्ठ नेताओं की सलाह को गंभीरता से ले रही है। We will take note of these views and concerns and discuss with all the concerned. The parliamentary board has already decided to take up with all the concerned. हालांकि बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं के बयान पर वेंकैया नायडू ने कहा कि बेहतर होता कि वे पार्टी फोरम पर ही बात रखते। Some of our senior leaders have raised certain issues. It would have been better if these issues were raised in the party forums
rather than public. लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने बिहार चुनाव में पार्टी के हार के बाद एक लिखित बयान में नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी। बीजेपी में चल रही बयानबाजी पर विपक्ष अब चुटकी ले रहा है। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जी एंड ऑल दिस पीपल प्रोबेबली द सीनियर मोस्ट इन द बीजेपी इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेस्पेक्ट दे आर ह्यूमिलिएटेड. Not only that, there was no internal discussion. It was only a decision taken by three people and forced on the party. So at the end of the day, they came out with a statement which everybody thinks 100% right. एक समय पार्टी के विचारक रहे और पार्टी से निकाल दिए गए नेता गोविंद आचार्य भी बीजेपी नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं में संवाद की कमी बता रहे हैं। इसमें किसी का आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है भैया, पार्टी में संवाद और विश्वास की कमी है आपस की। बीजेपी की हार पर बिहार राज्य के कई सांसदों और नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की आलोचना की है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बिहार में सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं और इस कवायद में पटना में कल आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई। इसमें पार्टी के नवनिर्वाचित 79 विधायकों ने हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें हासिल हुई हैं। बैठक में आम सहमति से नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता माना गया। इसके लिए विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया। पटना में महागठबंधन के सभी विधायकों की आज बैठक होगी, जिसमें नीतीश को नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 243 सदस्य विधानसभा में इन तीनों दलों को मिलाकर 178 सीटें हासिल हुई हैं। इनमें आरजेडी के 80, जेडीयू के 71 और कांग्रेस के 27 विधायक शामिल हैं। नीतीश कुमार 20 नवंबर को पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सब सहमति से कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता का चुनाव विधान मंडल में, विधायक दल में, इसका चुनाव के लिए मुझे लोगों ने अधिकृत कर दिया नामित करने के लिए। महागठबंधन के संयुक्त विधानमंडल दल के नेता पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की संस्तुति की गई है, अनुशंसा हम लोगों ने किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने महबूबा मुफ्ती को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने के संकेत दिए हैं। सईद ने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री बनना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा, लेकिन इस बारे में कोई भी फैसला पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं के बीच बैठक होने के बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। जम्मू में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि पाकिस्तान से सुलह उनका सपना है। सईद ने कहा कि वो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। हालांकि उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने से इनकार किया। इट इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जो भी है पाकिस्तान के साथ रिकंसिलेशन, मैं ये कहूंगा जो मेरा एजेंडा फॉर अलायंस है, रिकंसिलेशन इन पाकिस्तान इज देयर, बट मुझे पूरी इसमें उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ आप अभी नहीं कहलवाइए, आई शुड से दिस इज नॉट अंडर एनी प्रेशर टू से दैट, कोशिश रहेगी, इट विल नॉट गिव अप माई एफर्ट टू परसिवियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज टू हैव रिकंसिलेशन विद पाकिस्तान। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद याद करेंगे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर। लोक गीतों की मिठास जिससे दमक उठा बॉलीवुड भी। छठ की रौनक उनकी आवाज के बगैर अधूरी है। लोक गीतों में बढ़ते फूहड़पन से चिंतित। थोड़ी देर के लिए भले ही वो अच्छा लग जाए, पर संगीत में फूहड़पन भर देने से वो टिक नहीं सकता। मिलिए शख्सियत में लोक गायकी की मशहूर मारूफ शख्सियत शारदा सिन्हा से, शनिवार रात 10:30 और रविवार सुबह 11:00 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा। आपका हाल। सरकार तक पहुंचेगा
आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ओआरओपी की मांग पर पदक लौटाने को देश का अपमान बताया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल जंतर मंतर जाकर ओआरओपी के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों की मांग का समर्थन किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम के प्रावधानों को लागू करके बीजेपी ने पूर्व सैनिकों से किया वादा पूरा किया है। रक्षा मंत्री ने ओआरओपी के बारे में अधिसूचना जारी होने के बाद भी पूर्व सैनिकों के विरोध को गलत करार दिया। मेडल्स आर इज अ रिकॉग्निशन बाय द नेशन ऑफ द सैक्रिफाइस डन बाय द आर्म फोर्सेस एंड दैट टू एन इंडिविजुअल। बर्निंग देम, रिटर्निंग देम इज अ इंसल्ट ऑफ द नेशन एंड इंसल्ट ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। आई डोंट अप्रिशिएट। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओआरओपी मसले पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों की मांग के समर्थन में उतर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह लागू नहीं किया है। जो इनकी ओरिजिनल डिमांड्स थी वन रैंक वन पेंशन की, वो नहीं मानी गई हैं। मेरा ये कहना है कि ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग भीख नहीं मांग रहे इस देश से, ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, ये लोग देश के लिए जान न्योछावर करते हैं। पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी से जुड़ी सभी मांगे नहीं माने जाने तक विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। इससे जो सर्विंग फौजी है उसके मनोबल के ऊपर जो असर पड़ेगा, देश की सिक्योरिटी पे जो असर पड़ेगा, उसकी जिम्मेदार सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी। सरकार ने बीते शनिवार को देश के 24 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों और 6 लाख शहीदों की पत्नियों के लिए ओआरओपी योजना औपचारिक रूप से अधिसूचित की थी। सैनिकों ने इसके कई प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए विरोध जारी रखने का फैसला किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। म्यांमार में आंग सान सूची की लोकतंत्र समर्थक पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। अब तक 80% सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जीत के साथ ही सेना से सत्ता हस्तांतरण कर सरकार बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। 5 दशक तक सेना के कब्जे में रहा म्यांमार बड़े बदलाव के लिए तैयार है। देश में हुए संसदीय चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। इस जीत को लोकतंत्र बहाली की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आंग सांग सूची को मिली जीत का जश्न मनाने में लोग भी पीछे नहीं हैं। पार्टी ने सरकार बनाने और राष्ट्रपति चुनने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव में 80% से ज्यादा सीटें आंग सांग सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को हासिल हुई हैं। अब तक घोषित नतीजों में पार्टी ने 348 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि अब भी कई सीटों पर नतीजों का इंतजार है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को मिली जीत का विश्व समुदाय ने भी स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस जीत पर जहां सूची को बधाई दी है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी आंग सांग सूची से बात कर उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। इधर पड़ोसी देश चीन ने भी आंग सांग सूची की शानदार जीत का स्वागत किया है। संसद की 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में सूची की जीत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नतीजों के बाद देश में 25 साल से चल रहा सैन्य शासन खत्म होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया जनवरी के बाद ही शुरू की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 125वीं जयंती है। इस मौके पर देश उन्हें याद कर रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में पंडित नेहरू की याद में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित नेहरू ने भारत के मौजूदा स्वरूप की नींव रखी। वो बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने देश के भावी सामाजिक स्वरूप का खाका भी खींचा।
पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री रहते हुए 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हुआ। बात खेल की दुनिया की, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट आज से बेंगलुरु में खेला जाएगा। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की टीम में वापसी हुई है। 4 टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। टीम इंडिया ने मोहाली में पहले टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं बैडमिंटन में मौजूदा चैंपियन साइना नेहवाल चाइना ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। साइना ने जापान के खिलाड़ी को कल क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। साइना से पहले भी उन्हें 3 बार हरा चुकी हैं। साइना ने पिछली बार चाइना ओपन जीता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पेरिस में सीरियल आतंकी हमले में 140 लोगों के मारे जाने की खबर। फ्रांस में आपातकाल, भारत समेत दुनिया भर ने जताई चिंता। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के 60,000 लोगों को किया संबोधित। कहा, विविधता हमारी खासियत, दुनिया से सहानुभूति नहीं समानता चाहिए। वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई से बीजेपी का इनकार। वेंकैया नायडू ने कहा, सलाह को गंभीरता से ले रही है पार्टी। बिहार में सरकार बनाने के लिए महागठबंधन की बैठक आज। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम। चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल। बेंगलुरु में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से दूसरा टेस्ट।